तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस, आज कुछ अलग करने वाले हैं। तो यस, काफी टाइम हो गया, एक रैपिडिटी और टकारा का कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरे पास एक हाथ में है रैपिडिटी का स्टॉर्म पेगासस, जो कि ये है। और गाइस, इस पे मैंने दूसरा टिप लगा रखा है टैग टाइप का, तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और ये है गाइस अपना टकारा टॉमी का स्टॉर्म पेगासस। तो गाइस, देखते हैं रैपिडिटी के स्टॉर्म पेगासस में ज्यादा दम है या टकारा टॉमी के स्टॉर्म पेगासस में ज्यादा दम है। तो यस गाइस, आज होगा इन दोनों के बीच बैटल 5 पॉइंट का, और देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मैं तो गाइस रैपिडिटी की साइड हूं, आप बताना किसकी साइड हो। और मैं रैपिडिटी की साइड गाइस इसलिए हूं क्योंकि गाइस इस पे आरएफ नहीं लगा, तो इसका स्टैमिना अच्छा है। चलो गाइस, करते हैं पहला बैटल। तो गाइस, देखते हैं कौन जीतता है दोनों में से। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मारो फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम लाते हैं डेली, और मैं नहीं चाहता हूं आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस को मिस करो। तो गाइस, रैपिडिटी वाला पैकेज स्लो हो रहा है और अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों चूज़ किया इसको। फिर भी गाइस कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि टकारा वाला भी धीमा है। बट पहला पॉइंट मिलता है टीटी के स्टॉर्म पैकेजेस को गाइस, काफ़ी अच्छा बैटल। तो गाइस, मैं टीटी पहले लॉन्च करूँगा। अब गाइस रैपिडिटी बार ही है। तो गाइस देखते हैं, और टीटी वाले का गाइस जो रबर है वो थोड़ा सा सर्कुलर सा हो गया चल चल के, तो इसलिए उसका स्टैमिना काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसको हराना और मुश्किल हो जा रहा है। और मुझे लगा रैपिडिटी का जो स्टॉम्प पेगासस है वो कुछ 2 या 3 ग्राम हल्का है, और उसका गाइस उसको बहुत बुरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट भी गाइस ले गया है टकारा टॉमी का स्टॉम्प पेगासस। तो गाइस, दूसरा पॉइंट भी ले गया टकारा टॉमी का स्टॉम्प पेगासस। पता नहीं क्या हो रहा है। कम ऑन रैपिडिटी, 1-2 पॉइंट तो लो यार। गाइस देखते हैं क्या इस बार रैपिडिटी कुछ कर पाएगा या ओरिजिनल अपना पावर फिर से दिखा देगा। और गाइस, मुझे लग रहा है रैपिडिटी वाला इसीलिए हार रहा है क्योंकि कुछ ग्राम्स वज़न उसका कम है, और इस बार तो बहुत ही बुरा हार गया गाइस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रैपिडिटी के लिए, मुझे बुरा लग रहा है गाइस। 3 पॉइंट हो गया है टकारा टॉमी का, रैपिडिटी का 0। मुझे पता है टकारा टॉमी जीतेगा, बट मैं सोच रहा था कि रैपिडिटी एटलीस्ट 1-1.5 पॉइंट तो ले यार गाइस, तभी तो मज़ा है। खैर कोई बात नहीं गाइस, अगला बैटल करते हैं। और गाइस, बाहर जाते जाते बचाया रैपिडिटी वाला, अगर दिवाले नहीं होती तो उसका खेल ख़त्म हो गया होता। और टीटी वाले को सच में यार फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही बेरहम है यार टीटी वाला बेब्रेड, तरस नहीं आ रहा है बेचारे रैपिडिटी पे। तो गाइस, 4 पॉइंट हो गया है टीटी का, मुझे बुरा लग रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ यार, मतलब बुरा लगता है यार। देखते हैं गाइस, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रैपिडिटी वाला ज़्यादा अग्रेसिव है, बस वजन में मात खा जा रहा है, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है रैपिडिटी के लिए। और यार कम ऑन यार, एक मैच जीत जाओ यार एटलीस्ट। तुम्हारा टिप पतला है टीटी वाले से, स्टैमिना में ही कम से कम जीतो यार। और गाइस, इस तरीके से रैपिडिटी का खाता खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कहते हुए दुख हो रहा है, हार गया बेचारा रैपिडिटी वाला। जानता हूँ फेक है, बट यार हम लोग फेक का सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब किनारे कर दिया बेचारे को। फिर भी ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यस गाइस, 5-0 से टकारा टॉमी का पैकेज जीत गया, और उसका रीजन यही कि उसका वजन 2-3 ग्राम ज्यादा है और आरएफ है ऑब्वियसली, और इसका जो आरएफ है ना घिस घिस के गोल सा हो गया, तो ये डिफेंसिव टाइप में हो गया है, तो ये आरएफ कम, ये आरबी जैसा हो गया अब थोड़ा। खैर कोई बात नहीं गाइस, यही था आज का वीडियो, और मैं सोचा था ज्यादा फन होगा बट इतना फन नहीं था। तो यस गाइस, अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।